एंड दिस इज प्रवीण कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल क्रोम, जो आपके पीसी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उस क्रोम से किसी भी मोबाइल नंबर को या किसी भी वेबसाइट को अपने एंड्रॉयड के क्रोम में कैसे ट्रांसफर करना है। बेसिकली हम लोग सिंक करना सीखेंगे, गूगल क्रोम को कैसे सिंक करना है आपके एंड्रॉयड फोन से, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं ऑलरेडी ये मानकर काम कर रहा हूँ, ये मानकर ही इस वीडियो में मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जिस तरीके, जैसे यहाँ पे मेरे गूगल क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये मैंने ओपन किया। जैसे ये ओपन होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रीडिंग लिस्ट के ऊपर एक कहीं ना कहीं यू करके एक आइकन आ रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा टर्न ऑन सिंक, ये अभी ऑफ है, इसमें कोई भी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं किया गया है। तो मैंने क्या किया, टर्न ऑन सिंक पर क्लिक किया एंड जैसे ही ये आएगा, यहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी, जो भी मेरा ईमेल आईडी बना हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया एंड नाउ नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। मैंने अपना पासवर्ड वगैरह एंटर किया एंड नेक्स्ट। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, इस तरीके से आता है टर्न ऑन सिंक, इस पे मैंने यस आई एम इन ये मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही देखोगे यहाँ पर ये जो चेहरा है, ये उस ईमेल आईडी का हो जाएगा, उस ईमेल आईडी पर जो फोटो लगा होगा। एंड दोबारा जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सिंक इज ऑन आता है, ठीक है। अब यही काम आपको मोबाइल फोन में करना है, तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड फोन पर। सो ये मेरी एंड्रॉयड की स्क्रीन है। एंड्रॉयड में हमें क्या करना है, ऑलरेडी गूगल क्रोम हमें इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। मैंने ये प्ले स्टोर से ऑलरेडी गूगल क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे जो तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमें जाना है, ये सेटिंग के अंदर हमें क्लिक करना है। सेटिंग में आ रहा होगा टर्न ऑन सिंक, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे ईमेल आईडी आने लगते हैं, तो वही ईमेल आईडी हमें ओपन करना है जो मैंने अपने पीसी के क्रोम के अंदर ओपन किया हुआ है। तो मैंने ये वाला ईमेल आईडी ओपन किया था, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड यस आई एम इन लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिंक इज ऑन। तो ये जैसे था, ये मेरा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो था, ये इसके अंदर भी सिंक हो गया। अब मैं बैक करूँगा तो यहाँ पर भी मेरा ये फ़ोटो आ रहा होगा। अब देख पा रहे हो, जितने भी मैं नए टैब ओपन करूँगा उस पर मेरा ये फ़ोटो आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने दोनों पीसी को और अपने एंड्रॉयड फ़ोन को, क्रोम दोनों को सिंक कर दिया एक ईमेल आईडी। अब जैसे मुझे कोई भी मोबाइल नंबर या कोई भी वेबसाइट अपने एंड्रॉयड के क्रोम पर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो जैसे टेक एन एग्जांपल, पहले मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर केयर का नंबर ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ रहा होगा कॉल फ्रॉम एसएस फोन, मेरा एसएस का फोन है, तो एसएस का फोन यहाँ पर आ रहा है। मैंने जैसे ये क्लिक किया, ये सेंडिंग होता है, ये यहाँ से सेंडिंग होता है एंड और आप देख पा रहे होंगे मेरे डायल पैड के अंदर ये नंबर जो था वो ट्रांसफर हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पे कॉल पे क्लिक करूंगा, ये कॉल हो जाएगा। अब जैसे अगर हमें किसी वेबसाइट को ट्रांसफर करना है अपने एंड्रॉयड के क्रोम के अंदर, जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल के लिए fileinfo.com ओपन किया हुआ है, मैंने किसी भी जगह पर राइट क्लिक किया एंड सेंड टू एसएस फोन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, हमें ध्यान देना है एक चीज, हमारे एंड्रॉयड में भी इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और हमारे लैपटॉप में भी इंटरनेट कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं अपनी स्क्रीन को दिखाता हूँ, एंड्रॉयड की स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है fileinfo.com। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो जो स्क्रीन मेरे पीसी में ओपन था वही स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाता है। सो आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ नई वैल्यू जरूर आपके लाइफ में ऐड की होंगी। सो मिलते हैं नए वीडियो में, नए किसी टॉपिक पर, नए किसी वैल्यू के साथ में। सो ऑल द बेस्ट गाइस।